राष्ट्रीय सद्भावना मंच और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साय मलंग प्रकोष्ठ ने मिलकर के एक संयुक्त विशाल जनसभा बुलाई। इस जनसभा की अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संरक्षक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने की। इस बैठक में प्रदेशों से आए सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता और अयोध्या के मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान जनसभा संबोधन के बाद विशाल रैली के साथ डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने प्रभु भगवान श्री राम के भव्य दर्शन के लिए निकले। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सभी मुस्लिम राम भक्त जय श्री राम के नारे और ढोल नगड़ों के साथ झूमते नाचते दिखाई दिए। भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए सभी में उत्साह देखने को मिला। सभी ने मंदिर पहुंचकर अपनी नबी का दर्शन पूजन किया। वहीं डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि आज भारत का मुसलमान राम राय हो चुका है। यह वह मुस्लिम है जिन्होंने भारत के राम मंदिर के लिए कठिन संघर्ष किया। हक के साथ आओ और भव्य राम मंदिर का निर्माण करो। पूरे देश में जगह जगह संगोष्ठियां किया जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और पुनः मुस्लिम समाज के लोग लगातार अपने राम का दर्शन करने आ रहे हैं और पूरे उल्लास के साथ करते रहेंगे। एनआरसी से भारत का मुसलमान खुश है और यह कानून सबके लिए और सर्व समाज के लिए विकास के लिए है। अब भारत का मुसलमान किसी के बहकने में आने वाला नहीं है और जो राष्ट्र का विकास करेगा, जो सबका साथ सबका विकास चाहेगा, उसी के साथ भारत का मुसलमान खड़ा रहेगा। सबूत लाते रब की मंशा के मुताबिक जो डॉक्टर शाह फहद नसीम दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ पर हम सबके लिए बड़ी खुशकिस्मत की बात है। अल्पसंख्यकों से सभी पवित्र पावन भावना के साथ दर्शन में देश के तमाम मुस्लिम समाज के लोग आज श्री अयोध्या में उपस्थित हुए हैं। हम लोग यहां से भगवान श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और सद्भावना मंच का जो है संयुक्त कार्यक्रम है, जिसमें भाई साहब हमारे संरक्षक हैं, उनके पीछे हम लोग जा रहे हैं भगवान श्री राम जी का दर्शन करने। और हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी पूजा पद्धति भले अलग है, इस चीज़ को आधार मानते हुए हम लोग भगवान श्री राम को स्वीकार करते हुए उनकी इबादत में जा रहे हैं। कितने लोग हमारे मुस्लिम महिलाएँ आप देख रहे हैं पीछे सब हैं, जो 70 से 80 मुस्लिम महिलाएं आई हुई हैं, जो नकाब में हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कल से यहाँ पड़े हुए हैं। तमाम मुस्लिम महिलाएं, तमाम मुस्लिम पुरुष जो है पूरे देश से कोने कोने से आए हुए हैं और हम लोगों की सिर्फ आस्था है भगवान श्री राम में, इसलिए अब सब यहाँ।
हमारा नाम ताहिर शाह है। देखिए इसमें भारतीय सद्भावना मंच के राष्ट्रीय संरक्षण माननीय श्री देवश्री वीरेश कुमार जी, भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजिका बहन माँ कल्पना साध्वी जी और मेरे द्वारा शाहनवाज मंसूरी, जो मैं उत्तर प्रदेश का संयोजक अध्यक्ष हूँ, हमारे द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में मुस्लिम समाज के लोग और गैर मुस्लिम समाज के लोगों को राम मंदिर दर्शन कराना है, राम जी की प्रतिमा की क्या चरणों में जो है आशीर्वाद दिलाना है और पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को राममय करना है। और लगातार हमारी यही कोशिश है कि हम सब एक हैं, हम में कुछ बटा नहीं है, हिंदू मुस्लिम आपसी हमें कोई विवाद नहीं है। कितने लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए, कितने लोग हैं? मेरे साथ गाजियाबाद से 50 लोग आए हुए हैं और लगातार सभी प्रदेशों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग मौजूद हैं, दिल्ली से, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, यहाँ तक कि कश्मीर से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मुस्लिम महिलाएं जुड़ी हुई हैं। एक बहुत ही भव्य तरीके से हम इस रैली को आगे बढ़ाएंगे और पूरे भारत में इसका एक प्रचार प्रसार करेंगे। मेरा नाम शाहनवाज मंसूरी, भारतीय सद्भावना मंच उत्तर प्रदेश संयोजक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भारत। इस कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय, भारतीय सद्भावना मंच और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मलंग शाह प्रकोष्ठ से आए हैं और अयोध्या के कबीर मठ, रविदास मठ, तरह तरह के अलग अलग इस्लाम के और सनातन के फिरके मिलकर कबीर मठ से लेकर और अपनी यात्रा नबियों में नबी यानी ईश्वर रूप, ईश्वर ही राम के रूप में मानते हुए यह नफरतें मिटाने के लिए और हिंदुस्तान दंगा मुक्त हो, हिंदुस्तान भाईचारा युक्त हो, इसके लिए यह शोभा यात्रा निकल रही है। कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे आपके सामने है, आप गेम डालें। क्या क्या कार्यक्रम होगा सर, उसके बारे में? कार्यक्रम में सभा हो गई है, अब ये चूड़ामणि चौक तक थे और राम मंदिर की तरफ बढ़े, प्राण प्रतिष्ठा वाले स्थान तक जाए। 2024 का चुनाव भी है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मीडिया का ये कहना है, ईस्टर टर्म भी श्री नरेंद्र मोदी को, NDA को मिले, मीडिया के इस रिपोर्ट के लिए और एनालिसिस के लिए मीडिया को बहुत बधाई। आप क्या कहें? मैंने बता दिया मीडिया वालों के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।